नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। वार्ड पुनर्गठन पर पटोले ने दी तीखी प्रतिक्रिया। वार्ड गठन से कांग्रेस नाखुश होने की नाना पटोले ने दी जानकारी। तमिलनाडु में 30 लोगों का हुआ मौत से सामना, गलत लेन में बस चलाने से हुई टक्कर। और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया इस्तीफा, निजी कारणों का जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव की पृष्ठभूमि में नगर निगम के वार्ड बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस इस वार्ड के गठन से नाखुश है। जिस तरह से वार्ड बनाए गए हैं वो सही नहीं है। खासतौर पर हमारी मांग 2 सीट वाले वार्ड की थी, लेकिन 3 का विभाजन था। मुंबई और पुणे में महाविकास गठबंधन में कुछ दलों ने अपनी सुविधानुसार गठन किया है। इस वजह से हम कोर्ट जरूर जाएंगे और न्याय पाने की हमारी भूमिका है। ऐसा रिएक्शन नाना पटोले ने दिया है। बीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ लीना कटरे की रिपोर्ट। बरोबर है की जेव्हा अलायन्स गव्हर्नमेंट असेल तर सगळ्या पक्षांनी मिळूनच या पद्धतीचे वार्ड रचना करायला पाहिजे, कारण की म्हणजे आपण सोबत राहून समजा दुसऱ्याचं आपल्या मित्राचं नुकसान होत असेल तर ते बरोबर नाही, आणि त्यापुढे आमच्या स्थानिक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी नाराजी व्यक्त केली। आम्ही पुण्यामध्ये असेल, आम्ही अनेक ठिकाणी कोर्टात गेलेलो आहोत, कारण की ज्या पद्धतीनं प्रभाग रचना होतात आहे, विशेष करून आमची मागणी पण 2 प्रभागाची होती, पण त्यामध्ये 3 प्रभाग करण्यात आला आणि अनेक ठिकाणी पुण्यात असेल, मुंबईत असेल, अनेक ठिकाणी आपल्या सोयीनं समजा महाविकास आघाडीतले काही पक्ष आपल्या सोयीनं प्रभाग पाडत असतील तर निश्चितपणे आम्ही कोर्टातही त्याबद्दलचं न्याय मागण्याची भूमिका। पुण्यामध्ये राष्ट्रवादीला फायदा होईल अशी प्रभाग रचना, मुंबईमध्ये शिवसेनेला फायदा होईल अशी प्रभाग रचना, दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसचा काही विचार करण्यात आलेला नाही। तुम्ही जे म्हणून आम्ही त्याच्यामध्ये आपत्ती व्यक्त केली। ज्ञानवाबी विवाद के बीच अहमदाबाद साइबर क्राइम टीम ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को गिरफ्तार किया है। दानिश पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि उनके ट्वीट से हिंदू भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद दानिश की गिरफ्तारी की गई थी। AIMIM प्रवक्ता ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद एक विवादित पोस्ट किया था। साथ ही पोस्ट में शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। साइबर क्राइम की टीम ने दानिश कुरैशी के शाहपुर में होने का पता लगाया था, फिर उनकी गिरफ्तारी की गई थी। दानिश कुरैशी पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। साथ ही दानिश के खिलाफ 1 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई है। नरोदा और पलदी पुलिस थाने में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तमिलनाडु के सलेम जिले में 2 बसों के एक्सीडेंट का एक वीडियो सामने आया है। घटना में 30 लोगों के घायल होने की खबर है और इनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये सड़क दुर्घटना 17 मई की बताई जा रही है। 2 बसों की टक्कर का वीडियो बस के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। एक्सीडेंट होने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो काफी भयानक है। वीडियो में दिख रहा है कि बसों की टक्कर के बाद कैसे बस चालक दूर जा गिरा। जानकारी के मुताबिक ये टक्कर बस की गलत लेन में आने से हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे कई लोग विंड स्क्रीन पर आ गिरे, तो वही ड्राइवर अपनी अपोजिट साइड में विंड स्क्रीन पर जा गिरता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ड्राइवर को सिर में चोट आती है और वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। वीडियो में देखा जा रहा है कि बस सवार अपनी लेन में आराम से गाड़ी चला रहा था, लेकिन सामने से एक बस गलत लेन में आकर जोरदार टक्कर मारती है। बस का ड्राइवर, कंडक्टर और एक अन्य यात्री तेजी से आकर बस के विंडशीट से टकराता है, जिससे शीशा टूट जाता है और ड्राइवर के सिर में भी कांच का टुकड़ा घुस जाता है, जिसे वे हटाते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार पीछे बैठे कई और लोग भी इसमें घायल हुए हैं। वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में से एक है। हाल ही में इसने अपनी सेवा के बेमिसाल 50 साल पूरे किए हैं। अब रेलवे ट्रेन को वंदे भारत के डिब्बों के साथ अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने वाली इस रेल लाइन पर सबसे तेज गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत 17 मई 1972 को हुई थी। शुरू में ट्रेन में 4 चेयर कार कोच, एक एसी प्रथम श्रेणी और 2 एसी स्लीपर क्लास कोच शामिल थे, लेकिन समय के साथ इनमें कोचों की संख्या बढ़ने लगी। देश में पहली राजधानी एक्सप्रेस 1969 में हावड़ा और नई दिल्ली के बीच शुरू की गई थी, लेकिन दिल्ली और मुंबई के बीच चलने वाली राजधानी पर अधिक ध्यान दिया गया। प्रीमियम ट्रेन को 2003 में उन्नत यात्री सुरक्षा डिब्बों के साथ पेश किया गया था। एंटी क्लाइंबिंग सुविधाओं के साथ लिंक हॉफमैन बुश LHB कोच, जो डिरेलमेंट के दौरान कोचों को एक दूसरे पर चढ़ने से रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम मौतें होती हैं, और उच्च परिचालन गति के साथ शुरू की गई थी। इस ट्रेन से मुंबई और नई दिल्ली के बीच की यात्रा 15 घंटे 32 मिनट की है, जो कि मुंबई और दिल्ली के बीच चलने वाली सबसे तेज गति की ट्रेन है। शुरुआत में जब ट्रेन को चलाया गया था, तब इसे मुंबई दिल्ली की दूरी तय करने में 19 घंटे का समय लगता था। इसके अलावा रेलवे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने की अपनी योजना बना रहा है, जिससे कि यात्रा के समय को घटाकर 12 घंटे किया जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों का जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। पूर्व IAS अधिकारी बैजल को 31 दिसंबर 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने नजीब जंग की जगह ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बैजल मुख्य सचिव रह चुके हैं। बैजल का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद जल्द ही सरकार नए उपराज्यपाल की घोषणा कर सकती है। बैजल ने 31 दिसंबर 2021 को उनके कार्यकाल के 5 साल पूरे किए थे। 5 साल से अधिक समय के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे मौके आए जब उनकी दिल्ली की केजरीवाल सरकार से टकराव देखने को मिला। घटना सावली से यवतमाल मार्ग पर सखरा तांडा गांव के पास उस समय हुई जब एक अज्ञात वाहन ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक चालक की मौत हो गई है। इस बीच नाराज नागरिकों ने टक्कर मारने वाले वाहन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मृतक की पहचान गजानन जाधव के रूप में हुई है। गाड़ी
पीके न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्र की रिपोर्ट। कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तराखंड में सीएम फेस अजय कोठियाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कर्नल अजय कोठियाल ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। ट्विटर पर उन्होंने अपना इस्तीफा शेयर कर लिखा, पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कर्नल अजय कोठियाल ने 20 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। चुनाव में आपकी ओर से राज्य में वही सीएम फेस थे। तो वीकेवी प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूज। नमस्कार।